दो हिस्से में इसे बांटना पड़ेगा। जब आप कन्विक्शन करेंगे, अपराध सिद्ध करेंगे, तो उस समय हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन जब आप सजा देंगे, सेंटेंस देंगे, तो उस समय उस व्यक्ति का चाल चलन, उसकी पृष्ठभूमि, उसका व्यवसाय और उसकी पारिवारिक सामाजिक पृष्ठभूमि भी देखी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से कुछ बोलने के पहले पढ़ लेना चाहिए सीआरपीसी का 248। सेंटेंस जब दिया जाता है तो यह सब कुछ देख कर ही, सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी केस में, और इसीलिए अलग से बहस होती है। मैं कायम हूं कि राहुल गांधी या गांधी परिवार की पृष्ठभूमि ऐसी है कि सेंटेंस देते वक्त ना उनका क्रिमिनल इतिहास है, बल्कि देश की आजादी, देश के लिए बलिदान देने वाले पिता और दादी का इतिहास है, खुद सांसद हैं, 50 साल के इतिहास में बड़े से बड़े ऑफेंडर को, बड़े से बड़े अपराधी को 2 साल की सजा नहीं दी गई है, पर राहुल गांधी को दी जा रही है। तो निसंदेह इनके लिए कानून यही लागू होना चाहिए था जो मैं कह रहा हूं, और निसंदेह सजा के मुद्दे पर पारिवारिक पृष्ठभूमि, व्यक्तिगत पृष्ठभूमि जरूर 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 देखी जाए। मतलब कर रहा हो, और राहुल गांधी के सिलसिले में एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। राहुल गांधी सामान्य व्यक्ति है, राहुल गांधी क्रिमिनल नहीं है, आपराधिक इतिहास के व्यक्ति नहीं है। फर्क होना चाहिए एक साधारण नागरिक और एक आपराधिक इतिहास के व्यक्ति। यही जो राहुल गांधी जी के लिए मैं अर्ज कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि 50 साल के इतिहास में 2 साल की सजा कभी इस अपराध में नहीं दी गई, देख डाला मैंने। राहुल गांधी को कैसे आप दे सकते हैं जो खुद सांसद है, जिसके परिवार ने त्याग बलिदान किया है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि निसंदेह कन्विक्शन में नहीं पर सेंटेंस में उनके साथ नर व्यवहार होना चाहिए, अलग व्यवहार होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अच्छा, क्या कुछ ज्यादा ही कानून को सख्त किया गया या जानबूझ के सजा, क्या आप कहेंगे? हमारा अपील भी यही पॉइंट होगा कि हाँ, कन्विक्शन आपने किया, जिन तथ्यों पे किया वो एक अलग बात हो गई, हम मानते हैं कि वो कन्विक्शन सही नहीं है, वो एक अलग बात हुई, पर सेंटेंस के बारे में फिर मैं दोहराता हूं, राहुल गांधी के साथ जो सेंटेंस था देते वक्त ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक साधारण व्यक्ति हैं, फर्स्ट ऑफेंडर हैं, कोई उनका आपराधिक इतिहास नहीं, उनके पिता देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, कोई अपराधी नहीं रहे, उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री रही है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है, उनका परिवार एक ऐसा परिवार है जिस पर गर्व किया जा सकता है, मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूं। मतलब जब सजा दी जा रही थी तो ध्यान नहीं रखा गया कि इस मतलब गांधी परिवार के लिए देखना चाहिए कि उसने क्या क्या किया, और यही तो मैं कह रहा हूं कि 50 साल के इतिहास में भारत के जिस दफा में राहुल गांधी को सजा दी गई, इसमें 2 साल किसी को सजा, मतलब इनको मैक्सिमम किसी को नहीं दी गई, इनके परिवार को जब दी जाए तो अलग तरीके से देखा जाए। फिर वही बात, साधारण व्यक्ति को इन जो इनका परिवार है, पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आजादी के संघर्ष का है, दो दो प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, इन्हें सेंटेंस देते वक्त अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।